युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 24 नवंबर 2019 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज द्वादशी तिथि मध्य रात्रि 3:43 तक रहेगी और उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:40 से लेकर 12:28 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 4:02 से लेकर शाम 5:21 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज आप भोजन में मांस का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज ऐसे तामसिक पदार्थ खाने से आपका क्रोध कई गुना बढ़ जाएगा और आप छोटी से छोटी बात पर किसी पर हाथ उठा सकते हैं और स्वयं के लिए परेशानियों को आमंत्रण दे सकते हैं। आज आपको अपने व्यवसाय में धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज आप अपने आलस के कारण अपने कस्टमर्स के ऑर्डर टाइम से कंप्लीट नहीं करेंगे या आपका दिल उनका फोन उठाने का नहीं करेगा, जिससे आपके कस्टमर्स की आपसे बहस हो सकती है और वे आपसे नाराज होकर आपको छोड़कर जा सकते हैं। आज स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी एकाग्रता भंग हो सकती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आज कोचिंग सेंटर में यदि आपका कोई एग्जाम है तो उसमें खराब प्रदर्शन करने से आपका मनोबल कम हो सकता है। आज मंदिर निर्माण या मेंटेनेंस के लिए दान देने से आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी। यदि आप चांदी का हाथी लाकर अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो यह आपके लिए शुभ होगा। कुंभ राशि वालों, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या मेहनत करने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगी की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए, और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आपको अपने कार्यों में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है तो किसी हनुमान मंदिर जाएं और नींबू का ये उपाय करें। उपाय के अनुसार अपने साथ एक नींबू और चार लौंग लेकर जाएं। इसके बाद मंदिर में हनुमान जी के सामने नींबू के ऊपर चारों लौंग लगा दें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी से सफलता दिलवाने की प्रार्थना करें और वे नींबू अपने साथ रखकर कार्य करें। मेहनत के साथ आज अपना कार्य को करने से आपको उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको एक स्टार देता हूं। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं लगभग एक महीने पहले यहाँ गुरुजी के पास आया था, तो उस समय मैं बिल्कुल जीरो रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब हैं, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने, उन्होंने डालने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो किया। और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलने शुरू हुए। और आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके हैं मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं वो करते हैं, मैं बहुत ज्यादा हुआ हूँ। लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, साधन निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरुजी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जैसे गुरुजी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा होगा। हमारे वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।